आपके नेपाल से कोई आए यहाँ पर? बिल्कुल तो सर, बिल्कुल आना चाहिए उनको, हम लोगों का पूरा सपोर्ट है सर। सपोर्ट है जी अच्छा सर। चलिए बताओ, सिर्फ थोड़ी बताई कि लाइव भी बताया और अभी भी डैडी चल रहा है और अब आप अपने मोबाइल में खुद प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने वाले हैं। मुझे बताइए लाइव पावर सीपीयू इस पर किस किस ने काम किया है, चालू किया है? ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों कोई परेशानी, खाने पीने की कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पर किसी भी की दिक्कत नहीं है। और एक और बात एंड फाइनल, मुझे बताइए अभी तक आपको किसी एक दिन की भी छुट्टी मिली है क्या? क्योंकि छुट्टी लेने तो आए नहीं आप, ऐसा तो नहीं कि हम लोग संडे को हम लोग छुट्टी रख देते हैं? नहीं मिलती। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं देवचंद अग्रवाल एसर टेलीकॉम की टीम की तरफ से, मेरे साथ है मिलन सर। कैसे बिल्कुल सर? बढ़िया हूँ सर, एक नंबर। और मेरे साथ है दुर्गेश सर। हेलो मिलन सर, हमारे यहाँ एमएमसी एक्सपर्ट, यूएफएस एक्सपर्ट हमारी एमएमसी की क्लास लेते हैं, ब्लैक पेस्टेड डुअल डेकर की क्लास लेते हैं, और दुर्गेश सर हमारे यहाँ पूरे सॉफ्टवेयर की क्लास लेते हैं और प्लस हार्डवेयर की भी क्लास लेते हैं, और जो बेसिकली मेरे साथ लेते हैं, और मैं आपकी हार्डवेयर की क्लास लेता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट की इंक्वायरीज आती हैं कि सर एक बार इंस्टीट्यूट को दिखाइए, क्लासेस कैसे चलती है वो दिखाइए। तो हम सारी वीडियो सब कुछ इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सो ये हमारा आप एरिया देख सकते हैं, यहाँ ये बिल्डिंग हमारी एसर टेलीकॉम की बिल्डिंग है। तो हम आपको पहले क्लासेस में लेके चलते हैं, तो पहले जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, दुर्गेश सर पढ़ाते हैं और क्या क्या हम देते हैं आपको, हम डिटेल में देते हैं, फिर जहाँ मिलन सर पढ़ाते हैं और जहाँ हार्डवेयर का काम होता है, जहाँ बच्चे आईसी का काम करते हैं, वो डिटेलिंग आप देखेंगे। सो आइए चलिए, तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया है हमारा, यहाँ से एंट्रेंस होती है, यहाँ पर हमारा बोर्ड लगा हुआ है एसर टेलीकॉम का, सर्विस सेंटर का आप देख सकते हैं, और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग हमारी है, एसर टेलीकॉम की है। ठीक है, आइए, तो यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो क्लासरूम आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्लासरूम आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल लैब, और दूसरा क्लासरूम आपको मिलेगा थ्योरी लैब। तो सबसे पहले मैं थ्योरी लैब में आपको ले जाना चाहूँगा, आइए। तो थ्योरी लैब में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की हमारी क्लासरूम है, यहाँ बच्चों को बिठाया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं स्मार्ट पैनल है 86 इंच का सबसे बड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये पूरा हमारा जहाँ हमारा प्रैक्टिकल होता है। सो मैं बोल देना चाहूँगा फिलहाल माइक दुर्गेश सर को, दुर्गेश सर एक्सप्लेन करें कि यहाँ पर क्या होता है। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि सर ने बताया, हमारे देव सर नमस्ते सर, और जैसा कि अभी जानते हैं मिलन सर हमारे, तो ये जो क्लासेज है हमारे, ये हमारी है थ्योरिकल क्लास है, मतलब यहाँ पे आपको पहले थ्योरिकल पढ़ाया जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाता है। जब यहाँ पे सुबह 11 बजे से लेकर के समथिंग 3 से 4 बजे तक थ्योरी चलती है, उसके बाद पूरा उसी चीज़ का प्रैक्टिकल चलता है स्टेप बाय स्टेप। 12 घंटे में टोटल देखा जाए तो सिर्फ 4 से 5 घंटे हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं बस, और ज़्यादातर हम प्रैक्टिकल कराते हैं, मतलब उनको जो पढ़ाया जाता है उसी प्रैक्टिकल बोर्ड में कि वो चीजें हैं कि नहीं। तो सर शुरुआत के दिन में जैसे कि पहले काउंसलिंग मान सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट डे 27 से काउंसलिंग नहीं होती, पर फर्स्ट डे से ही हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 27 तारीख से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बताया जाता है कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, उसके साथ फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के साथ फिर उनको एक डेमो क्लास के तौर पर, मतलब वो क्लास ही रहती है पूरा ओवरऑल कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं सारे सेक्शन। तो फर्स्ट डे से ही 27 तारीख से ही हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद फिर 28 तारीख से हमारी कॉम्प्रेंट वगैरह, फिर हार्डवेयर चलती है सबसे पहले, हार्डवेयर के बाद फिर मैं सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूं, जिसमें आपको कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं होता, हार्डवेयर कैसे टूल चलाने हैं, ड्राइवर कैसे लेटेस्ट लेने हैं, कौन से अपडेटेड टूल लेने हैं, फाइल की जानकारी, कहां से फाइल डाउनलोड करें, वो सारा कुछ मैं प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर क्लास में बताता हूं। जब ये हमारी चीजें थ्योरिकल होती है, सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं कि दोनों प्रैक्टिकल साथ में चलते हैं, थ्योरी भी साथ में पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल भी साथ में पढ़ाते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइए कि सॉफ्टवेयर की क्लास में जब आप पढ़ाते हैं तो आप स्टूडेंट से भी काम करवाते हैं? पहली बात तो अगर आपने लाइव देखा होगा तो हम तो काम करते ही नहीं, हमने कभी माउस को टच नहीं किया अभी तक, वो सारा स्टूडेंट ही वर्क करता है। बिल्कुल, और जैसे आप बहुत सारे, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर की बात की जाती है तो अक्सर लोग ड्राइवर में बहुत फंसते हैं, लोग ये बोलते हैं कि सारे विंडो छोड़ के विंडो 7 उठा के लाओ या पीसी में विंडो 7 करो, तो अगर कोई बच्चा विंडो 11 लाता है तो क्या हम उससे ये कहेंगे कि विंडो 7 करे? जैसा सर आपने ड्राइवर की बात की, तो चलो सारे स्टूडेंट का मुझे तो नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से प्रिपेयर होकर
करके आते हैं। हम यहाँ पे लाइव लैपटॉप उठाते हैं स्टूडेंट का, फ्रेश लैपटॉप, और लाइव विंडोज 11 में काम सिखाते हैं। मतलब कोई भी विंडो हो आप उस पर वही ड्राइवर चला सकते हैं जी, और लाइव वो अपने लैपटॉप में नहीं, स्टूडेंट के लैपटॉप में, मतलब उनको एक फ्रेश लैपटॉप जिससे उनको पता चले कि वाकई में अगर हम विंडोज 7 में सिखा देते तो हो सकता है 10 अवेलेबल ना चले, पर अगर हम 11 में सिखाएंगे तो सारी 10 में भी चलेगी और 8 में भी चलेगी। कौन कौन से टूल पे काम करवाते हैं आप? देखिए टूल तो बहुत है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, पर हम ये नहीं कहते स्टूडेंट का ये ले लो वो ले लो अपने पैसे वेस्ट कर लो, हम वही टूल बोलते हैं रनिंग में जो आपको काम करना है और पैसे भी आपके खराब ना। अभी क्या रनिंग में? अभी हम UMT एक रिकमेंड करते हैं और दूसरा अनलॉक टूल रिकमेंड करते हैं। तो अनलॉक टूल पूरा पढ़ाते हैं आप? पूरा A to Z, एक एक ऑप्शन को पढ़ाते हैं कि यहाँ से फ्लैशिंग होती है, यहाँ से अनलॉकिंग, यहाँ से विदाउट डाटा। बच्चा आता है और उसको यूट्यूब में जो चीज मिलती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यूट्यूब का ही पढ़ा दिया आपने? वो तो स्टूडेंट जानते, 8-8 साल के स्टूडेंट बैठे रहते, अभी भी एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं लाइव क्लास में 8 साल के, बोले सर ये तो जो हम 8 साल में नहीं सीखे वो हम एक दिन की क्लास में। बिल्कुल। तो इस तरह से आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, इवन सॉफ्टवेयर में आपने हार्डवेयर भी आपको मिलता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बाद में जब हार्डवेयर में मोबाइल फंसता है तो उसमें भी आप बताते हैं, कई बार नॉलेज बताते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाइए जो टूल्स हैं, बिल्कुल पूरे एडवांस टूल हैं DSO। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ दुर्गेश सर और मिलन सर आपसे कि क्या हम सिर्फ DSO यहाँ रखने के लिए यूज़ करते हैं या स्टूडेंट से भी करवाते हैं? नहीं, स्टूडेंट से भी करवाते हैं, क्योंकि ये DSO तो सोबाजी के लिए नहीं, काम होता है इसमें। काम होता है जी सर, जैसे आप थ्योरी पढ़ाते हैं, देव सर हमारे पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ जहाँ पे DSO वोल्टेज फ्रिक्वेंसी LXC लाइन जहाँ होती है उसको चेक करके दिखाते हैं। मतलब अगर हमने वहाँ पर लाइन भी खींची है तो यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल होना है। हेलो, ये सारे मोबाइल स्टूडेंट के हैं जिस पे भी लाइव डायग्नोस हुए थे। क्यों मिलन सर? जी सर, ये अभी हम लोग नहीं किए थे आपको मैंने, और ये लाइव डायग्नोस होकर हमने इनके पूरे रिजल्ट दिए थे बच्चों को। तो आप, मैं बताना चाहूँगा, आप हमारी लैब देख सकते हैं, बिल्कुल एडवांस लैब है जिसमें हम बच्चों को यहाँ पर बताते हैं पूरा प्रैक्टिकल काम के लिए, ये आपकी यूज़ और ये स्कीमेटिक के लिए यहाँ पर। और उसके साथ आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हमारे बच्चे यहाँ पर बैठते हैं, और यहाँ पर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे सर, आइए, तो यहाँ हमारा पूरा पैनल है। तो आप मुझे बताइए दोनों कि इसमें और व्हाइट बोर्ड में कितना अंतर है पढ़ाने में? सर बहुत अंतर है। व्हाइट बोर्ड में क्या है कि सिर्फ आपकी सिर्फ ब्लैक लाइन ही चलेगी, इसमें क्या है कि कुछ एमिनेशन के तरीके से या तो कोई लाइन अगर वोल्टेज की लाइन है, कोई ज़्यादा वोल्टेज कम वोल्टेज, उसी हिसाब से आप ड्रॉ करते हैं और स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ में आता है। तो मतलब हम विजुलाइज करवा सकते हैं, चीज़ों को दिखा सकते हैं। और इसमें सॉफ्टवेयर पढ़ाने में क्या अनुभव होता है आपको नॉर्मल, जब आप पहले पढ़ाते थे और आप पढ़ाते हैं? पहले क्या होता था लोगों को, सबसे पहली बात स्मार्टनेस काम नहीं होता था। पहले क्या होता था कि हम प्रोजेक्टर थ्रू, जैसा ऊपर देख रहे हैं प्रोजेक्टर थ्रू पढ़ाते थे, फिर उसमें एक पर्दा लगता था। आप दिखा सकते थे कि प्रोजेक्टर अब आज भी लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है, कभी निकाला नहीं है। जी जी, नहीं निकाला। तो उससे क्या होता था, विजुअलिटी नहीं मिल पाती थी, वो क्लियरिटी नहीं मिल पाती थी, टूल का इंटरफेस सही से नहीं दिख पाता था। और अभी क्या है कि एक एक टूल इंटरफेस, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एक बेबी स्टेप में नोट डाउन करा देते हैं कि 1 स्टेप में क्या करना है, 2 स्टेप में क्या करना है, तो प्रिंट के थ्रू उसमें लिख देते हैं पहले आपको ये करना है, सेकंड में आपको ये करना है, तो वो बहुत हेल्प होती। मैं अब सॉफ्टवेयर की क्लास या हार्डवेयर की क्लास में जाना चाहता हूँ, पर मैं यहाँ पे सर से पूछना चाहता हूँ, मुझे गारंटी बताइए कि कोई भी बच्चा यहाँ आता है, भले वो मंद बुद्धि हो, वो पढ़ा लिखा ना हो, या वो पढ़ा लिखा हो, या उसने आज तक, या तो ये कहे सही बात कि उसने माउस भी नहीं पकड़ा हो, तो आप मुझे बताइए क्या आप उसको सिखा सकते हैं? बिल्कुल, अगर उसके अंदर सीखने की क्षमता है, बस उसको मैं इतना ही रिकमेंड करूंगा, छोटा सा उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फोल्डर कैसे खुलता है, फोल्डर खुलता कैसे, डिलीट कैसे होता है, बाकी मैं गारंटी देता हूँ सॉफ्टवेयर सिखा देंगे आप? जी सर। चलिए ठीक है, तो एक सर से हमारी गारंटी हमको मिल गई है। आइए चलते हैं मिलन सर की क्लास में, आइए। तो ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीछे थोड़ा सा यहाँ पे दिखाइए आप, देखो तो यहाँ पर हमने कोई कोटेशंस लगा के नहीं रखे कि पॉजिटिव, ये हमारे अचीवमेंट है। क्यों सर? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट, ये top 3 एजुकेटर्स, ये एशिया टेलीकॉम के सारे अचीवमेंट है, ये हमारे को अवार्ड मिला हुआ है, ये सारे अचीवमेंट है हमारे। चलिए तो अब हम यहाँ आएंगे, अब ये हमारी प्रैक्टिकल लैब है, ठीक है। यू गाइज ऑल रनिंग, और मतलब आप लोग वर्क करो अपना और आप पढ़ाओ अपना, कोई नहीं है, और थोड़ा कम आवाज़ में, ठीक है। सो हाँ गाइज, तो हम अभी आए हैं और अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं। ये जो महीना है और ये जो तारीख है, अगर मैं बात करूँ, मेरे ख्याल से 11 तारीख है आज, 10 तारीख है, 10 नवंबर, राइट, 10 नवंबर 2023 में ये वीडियो शूट हो रहा है। और अब मैं हूँ मिलन सर के साथ, तो मिलन सर प्लीज़ थोड़ा सा क्लास को डिस्क्राइब करें, क्या आपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी दे के रखी है जो बच्चे आएंगे, और किस लेवल पर उनको ये एडवांस लैब यहाँ पर लग सकती है, और किस क्या लेवल आप देने वाले हैं, थोड़ा सा बताइए प्लीज़।
देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, सबका टूल अलग अलग होता है, सबके लिए एक एक माइक्रोस्कोप होता है और सबका टूल अलग अलग होता है। अब यहाँ पे देखेंगे पूरी तरीके से, तो यहाँ पे सबके लिए एक एक टूल्स है और सबके लिए अलग अलग जो भी है सब कुछ है। अब जो भी है वहाँ पे हम पढ़ाया जाता है, और हमारी की बात करें प्रैक्टिकल लैब की, तो प्रैक्टिकल लैब कुछ इस तरीके से दिखता है और प्रैक्टिकली काम होता है। अब उसके बाद हमारी जब हमारी EMMC की क्लासेस चलता है, तो EMMC की क्लास में हम हर एक बच्चे से ये चीज़ करवाते हैं, हर एक चीज़ करवाते हैं जो जो चीज़ हम पढ़ते हैं थ्योरी के लिए, कि EMMC इस तरीके से डायग्नोस होता है, EMMC इस तरीके से चेक होता है, EMMC इस तरीके से चेंज होता है। उसके बाद मैं बात करूँ कि पेस्टेड आईसी हर बच्चे से करवाया जाता है, देखते हैं इसी हिसाब से सारे बच्चे काम करते हैं, और ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है जो पेस्टेड आईसी खोलने के बाद आपका प्रिंट डैमेज होने लगता है। बिल्कुल। और उसके बाद हमारे लास्ट क्लासेस रहता है डुअल डेकर की क्लास, वो भी हर एक बच्चे से करवाते हैं डुअल डेकर की क्लास। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे मैं SMD और टूल देख रहा हूँ, थोड़ा इधर आइए, यहाँ पर बच्चों को 861 भी दी है, यहाँ बच्चों को 857 भी दी है, और यहाँ क्विक की आप देख सकते हैं इस तरह से सस्ती वाली मशीनें भी दी है, तो इसका क्या रीज़न है? देखिए सर, सारे टूल्स अलग अलग इसीलिए हैं क्योंकि किसी का प्राइस ज़्यादा है, किसी का प्राइस कम है, किसी का प्राइस बहुत कम है। सारे लोग, सारे स्टूडेंट सारा एसिमेंट नहीं कर पाते हैं एक फर्स्ट बार में, क्योंकि परचेसिंग नहीं कर सकते हैं सारे 15,000 की एसएमडी है, पहली बार में नहीं कर सकते हैं, पहली बार में नहीं कर सकते। अब उनको जो एफोर्ड लगता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, वो उन्हीं उठी हिसाब से बैठे और उसी में प्रैक्टिस करे। तो ऐसा नहीं है, मैंने तो सुना है कि इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर महंगी होती है, और वो कहते हैं कि इसके बिना काम ही नहीं हो सकता, तो क्या इनसे भी काम हो जाता है? बिल्कुल सर, होता है। तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सी SMD में क्या हीट रखना है, क्या AR रखना है। तो आप कह रहे हैं इस SMD से भी आप ब्लैक पेस्टेड निकलवा सकते हैं? बिल्कुल सर, दावा करते हैं? बिल्कुल सर, दावा करते हैं। पक्का सर, कोई भी आएगा निकलवा देंगे? एकदम सर, एक नंबर से निकलेगा, CPU भी निकलवा देंगे, और बिना डैमेज हुए, अगर उसने कभी छुआ भी नहीं है तो भी निकलेगा सर, और वो EMMC का भी बहुत अच्छे से काम करेगा। एकदम सर, पूरा UFI सीख के जाएगा, UFI की हर स्टेप, EMMC चेंज प्रोसेस अपग्रेड, और हमारी रैम चेंज, रैम अपग्रेड, CPU चेंज, सब सारे प्रोसेस वो प्रैक्टिकल भी करेगा उसमें? बिल्कुल सर, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल, या सिर्फ आप करके दिखाएंगे? नहीं, प्रैक्टिकल भी करेगा, प्रैक्टिकल करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप जैसे कि आपने देखा कि ये हमारे मिलन सर थे, ये हमारे दुर्गेश सर, मैं आपके सामने देवेंद्र अग्रवाल, हमारे वहाँ पर एक श्याम सर है और एक MD सर है, और ये हमारी भी क्लासेस चल रही हैं। अभी आपको इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है सो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके वीडियो के बाद मैंने इनको थोड़ा पढ़ाते हुए का शॉर्ट इसके अंदर डाला है, मिलन सर का, मेरा सर का और बाकी लोगों का, तो आप वो वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। और हमारे साथ में एक श्याम सर है, थोड़ा आइए प्लीज़, ये हमारे नेपाल से हैं, तो जो भी नेपाल के भाई बंधु हैं तो मैं चाहूँगा कि आप नेपाली भाषा में थोड़ा सा बताएं इसे टेलीकॉम क्या काम करता है, यहाँ क्यों आना चाहिए, थोड़ा श्याम सर प्लीज़ नेपाली में बताएं। सभी बंदा मैं पहले मानना चाहूँ कि धीरे जाना मानचे नेपाल बट आए रहे तो इंडिया में इतना होते घूमचन की अब कौन चाहिए इंस्टीट्यूट जाऊँ, कौन चाहिए इंस्टीट्यूट जाऊँ, कहाँ पैसा लुटने चाहिए। अब धीरे जाना मानचे को अब यो हो कि अब मन इंडिया में गई आपको देश छोड़े अब मेरे पैसा लुटिश कि तस्त कि कन्फ्यूजन हुन्छ, त्यो भावना नराखेर तपाईँ हाम्रो टिममाथि विश्वास गरेर तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँको केही हुन्न यहाँ पर। श्याम सर, आप तो यहाँ पर काफी टाइम से काम कर रहे हैं, मुझे बताइए यहाँ पर बच्चों को क्या वाकई में एडवांस दिया जाता है? बिल्कुल एडवांस दिया जाता है सर। जी सर, अगर आपके नेपाल से कोई आए यहाँ पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल आना चाहिए उनको, हम लोगों का पूरा सपोर्ट है सर। सपोर्ट है जी सर। तो देखो ये सपोर्ट सिर्फ नेपाल ही नहीं और हमारे जो भी इंडिया है उसके आसपास के कंट्री पे भी होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं इन सब के साथ में, और वहाँ MD सर मेरे वहाँ पे काम कर रहे हैं, इस बात की गारंटी देता हूँ कि 30 दिन में लाइव पावर जी सर, 14 दिन में लाइव CPU, और सर जब हमारे डेड वाले सेक्शन तक आप एक एक सर्किट की IC को डिजाइन करेंगे, हेलो जी सर, और एक एक पैड तक पूरे वोल्टेज पैड लाइन चेक करना, और कोई भी बोर्डियों पर निर्भर नहीं होंगे जी सर, बिना डायग्राम के काम करेंगे और सेट को डायग्नोस करेंगे। दूसरा, आप सॉफ्टवेयर में कोई भी लैपटॉप लेके आए उसके ड्राइवर डालना सीखेंगे, और FRP निकालना, अनलॉक करना, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोबाइलों की फ्लैशिंग सीखेंगे प्रैक्टिकली। आप हमारी MMC क्लास में MMC को निकालना सीखेंगे, वो कोई भी बोर्ड हो, कोई भी SMD हो, बस आपको तरीका हमारे सर सिखाएंगे। बिल्कुल सर। और UFI पर UFI का डिडक्शन, UFI
आई चेंज या यूएफआई के जितने भी काम होते हैं, एमएमसी प्रोग्रामिंग अपग्रेड, ये सब कुछ मिलन सर सिखाएंगे यहाँ पर। और अपग्रेड में जब आप आएंगे तो हम जेटेक सिखाएंगे। बिल्कुल सर, जेटेक यूएफएस जो भी आप लेकर आएंगे हम सब कुछ सिखाने के लिए तैयार है। ड्यूअल डेकर हम आपसे लाइव करवाएंगे। हेलो, जब आप दूसरी बार आएंगे तो हम आपसे ड्यूअल डेकर लाइव करवाएंगे। तो ये सारी चीज हम आपको प्रॉमिस करते हैं। और एक बार मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स सारे काइंडली प्लीज गिव मी अटेंशन, कैन यू हेलो, मैं जानना चाहता हूँ फिलहाल आज का अपडेट बताओ, आज डेट सेक्शन में किस किस को अच्छा लगा जल्दी बताओ। सिर्फ थ्योरी बताई कि लाइव भी बताया, और अभी भी डेट ही चल रहा है, और अब आप अपने मोबाइल में खुद प्रैक्टिकल अटेंड करने वाले हैं। मुझे बताइए लाइव पावर सीपीयू इस पर किस किस ने काम किया है, चालू किया है? ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। यू गाइस प्लीज कैरी ऑन विद रिसर्च। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, यही था एशिया टेलीकॉम का सफ़र, और ऐसा ही बने रहिएगा। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इंक्वायरीज में बेसिक्स चीज़ पूछते हैं। हम थोड़ा हॉस्टल का भी वीडियो डालेंगे कि कैसे रहते हैं, हाँ एक बार पूछ ही लेते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए अभी तक किसी को हॉस्टल में कोई दिक्कत है क्या? बताइए, मतलब किसी प्रकार की हॉस्टल में कोई परेशानी, खाने पीने की कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और एक और बात एंड फाइनल, मुझे बताइए अभी तक आपको किसी एक दिन की भी छुट्टी मिली है क्या? क्योंकि छुट्टी लेने तो आए नहीं आप, ऐसा तो नहीं कि हम लोग संडे को हम लोग छुट्टी रख देते हैं? नहीं मिलती छुट्टी यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है। डेली क्लासेस होती है, और क्लासेस 11 बजे से 8, 9, 10 बजे तक खत्म होती है। हेलो, मतलब टोटल 12 घंटे क्लासेस देते हैं कि नहीं देते हैं? अच्छा, क्लासेस कितने भी देर तक दें, सेटिस्फेक्शन क्लास में मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसा तो नहीं कि पढ़ा दिया और निकल गए कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर? अगर आप लोग रिकमेंड करना चाहें जो देख रहे हैं कि वो आना चाहे कश्मीर से हो या किसी भी स्टेट से हो, तो कौन कौन रिकमेंड करना चाहेगा स्टूडेंट को? कौन कौन करना चाहेगा? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर्च करने के लिए एशिया टेलीकॉम www.asiatelecom.in पे सर्च करें। एशिया टेलीकॉम के कुछ और भी कोर्सेज हैं, आईफोन के कोर्स में जा सकते हैं, पर तभी जब एंड्रॉयड पे काम करें। तो यहाँ हम आईफोन 6 से 11 प्रो मैक्स तक आपको देते हैं, प्लस DSO उस पर ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, नैंड प्रोग्रामिंग है, सब कुछ। ये आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही चीप रेट पे होगा वो होगा 9,999, जिस पर अभी दिवाली ऑफर कर चल रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं विजिट। और बाकी अगर आप सीट बुक करना चाहते हैं तो आप दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बट यहाँ एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो काउंसलिंग करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अच्छे इंस्टीट्यूट भी अच्छे स्टूडेंट की डिमांड रखता है। अगर हम काम चाहते तो हम यहाँ पर हजारों बच्चों को बिठा सकते थे, पर कोई मतलब नहीं है, आउटपुट देना ही सबसे मेन है। अगर आप सही आउटपुट देना जानते हैं तो ही आप टिके रहते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?